अजमेर में चल रहे ख्वाजा साहब के 803वें सालाना उर्स के मौके पर देश भर से आने वाले लाखों जायरीनों को बाजारों में कोई परेशानी ना हो, इसी के चलते कोतवाली थाने के SHO जितेंद्र गंगवानी पुलिस जाब्ते के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों को हटाने पहुंचे। इस बीच मदारगेट व्यापारिक एसोसिएशन के संरक्षक और कांग्रेस उपाध्यक्ष कैलाश जालीवाल से जितेंद्र गंगवानी की अतिक्रमण हटाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके चलते मदारगेट के कुछ व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। अतिक्रमण हटाने गंगवानी पर व्यापारियों ने बदसलूकी और बेवजह दुकानदारों को परेशान करने का आरोप लगाकर गुस्से का इजहार किया। निवर्तमान में आदित्य मेहता जिला कलेक्टर रही है हमारी, उनकी परमिशन के आधार पे आज भी वही यथा स्थिति बनाए हुए हैं। नाले पे हमारी दुकानें हैं, उन दुकानों को दुकानदारों को आकर के जितेंद्र गंगवानी जो कि यहाँ पे CI की पोस्ट है, एक थानेदार लगा हुआ है, वह इनको चिंता नहीं है। रात चोरी डकैती स्नेचिंग शराब बिक्री है, जुआ सट्टा सब हो रहे, वहां पर नहीं जा रहे, अपराध को नहीं रोक रहे, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, वो भी मेले के टाइम में। आप मुझे एक बात बताएं, इस तरह से अगर मेले के दौरान व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, ठेले वाले कह रहे ठेले वाले लगेंगे, ये कौन सा न्याय है? मतलब हम ठेले लगा ले, ये कह रहे हैं ठेला लगा लो लेकिन दुकान पीछे लो। वही कोतवाली थाना प्रभारी गंगवानी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कैलाश छालीवार पर दुकानदारों को गुमराह करने और भड़काने का आरोप लगाया। उर्स मेला प्रारंभ हो रहा है, जैसा आप सबको पता ही है, उर्स मेले को देखते हुए सबसे पहले मदार गेट से यहाँ रास्ता जाता है दरगाह के लिए, तो मदार गेट पर हमने कुछ अतिक्रमण जो रोड पे ही हैं, रोड सीमा में थे, उनको हटाने के लिए व्यापारियों को बताया था। सभी व्यापारी सहमत थे, लेकिन एक व्यापारी ने खुद को किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी प्रतिनिधि बताते हुए हटाने से इनकार किया और माहौल खराब किया है। सच्चाई यहाँ के सभी व्यापारियों को पता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के अलावा सबको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सबको पता है कि ये जनहित में किया जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, किसी को कोई भी जरा सा भी परेशान नहीं किया जा रहा। गौरतलब है कि उर्स मेला शुरू हो चुका है, ऐसे में व्यापारी प्रशासन का साथ देकर व्यवस्थाएं सुचारू नहीं बनाएंगे तो अजमेर स्मार्ट सिटी कैसे बन पाएगा। नगर निगम के दल ने राजस्व अधिकारी रेखा जयस्वानी के नेतृत्व में सोमवार को धोलाभाटा कृष्ण कुंज समारोह स्थल को बिना स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से विवाह स्थल का रूप देकर व्यवसायिक उपयोग करने के आरोप में सीज कार्रवाई की। रेखा जयस्वानी ने बताया कि 9 अप्रैल के आदेश के मुताबिक राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और मॉडल उपविधि विवाह स्थल पंजीयन उपविधि 2010 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनाधिकृत रूप से संचालित विवाह समारोह स्थल को सीज किया गया है। विवाह समारोह स्थल की पंजीयन अभी किया जा रहा है, पंजीयन की मतलब प्रोविजनल राशि जमा कर रही है। कृष्ण कुंज वालों को भी हमने 2 बार नोटिस दिया था, एक बार उन्होंने जवाब दिया लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं था, इसीलिए आदेशानुसार आज उनकी कार्यवाही की गई, सीज किया गया उनका विवाह समारोह स्थल कृष्ण कुंज धूलाभाटा में है। हाँ, उनके पड़ोसियों की शिकायत थी कि गली काफ़ी सकड़ी होने के कारण जो वहाँ पर यातायात है वो प्रभावित होता है, प्लस वहाँ उनके घर के आगे गाड़ियाँ लग जाती है तो उन्हें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है।